गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मॉम बेसिया की टीचर हूँ। तो बच्चों, आज मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, आप सभी को रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। आप सब हिंदी कॉपी निकालिए, प्रातः भ्रमण इसको निकाल कर बैठ जाइए। तो बच्चों, मैंने आप सभी को प्रातः भ्रमण लिखा भी दी हूँ, पढ़ा भी दी हूँ, समझा भी दी हूँ और याद करने को भी कह दी हूँ। आप सभी ने याद किया है कि नहीं? ओके, वेरी गुड, सभी ने याद कर रखा है ना। तो चलिए फिर मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। सूर्योदय से पहले उठकर टहलना प्रातः भ्रमण कहलाता है। सूर्योदय मतलब सूरज के निकलने के पहले बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, यानी प्रातः भ्रमण। इससे क्या होता है बच्चों, एक तरह का यह व्यायाम हो जाता है, कसरत हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है हवा स्वच्छ रहती है, चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य देखने में बहुत आनंद आता है। कहीं कोयल बोलता है, कहीं चिड़िया चहचहाती है ना, देखकर मन खुश हो जाता है। इस समय हवा स्वच्छ रहती है और स्वच्छ हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इस समय हवा क्यों स्वच्छ रहता है बच्चों? क्योंकि सुबह सुबह उतना गाड़ी, स्कूटर, मोटर, ट्रक नहीं चलता है, क्योंकि इन सभी गाड़ियों से धुआं जो निकलता है जो हवा को प्रदूषित कर देता है ना। इस समय बहुत कम गाड़ी चलता है जिससे हवा स्वच्छ रहता है ना। इस समय हवा धीरे चलती है, पक्षी चहचहाते हैं, प्रकृति सुंदर लगती है ना बच्चों। प्रातः भ्रमण करने से हम सारा दिन खुश रहते हैं और पढ़ाई में भी मन लगता है। तो प्रातः भ्रमण करने से हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है, हम बहुत तरोताज़ा दिखते हैं, है ना। सुबह सैर करने से सारा दिन का काम बहुत खुशी खुशी तुम लोग कर लोगे, हम लोग भी, चाहे हम हो चाहे तुम हो। जो भी प्रातः भ्रमण करता है वह हर एक काम समय पर सही से करता है ना। अतः हमें प्रातः भ्रमण करना चाहिए। तो बच्चों, हम सभी को, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सभी को प्रातः भ्रमण जरूर करना चाहिए। यह एक तरह का एक्सरसाइज, व्यायाम हो जाता है। प्रातः भ्रमण करने से हमारा रक्त संचार जो होता है वह सही तरीके से होता है, कोई बीमारी भी नहीं होता। सारा बीमारियां, जितने सारे बीमारी होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी को फिर मैं कह रही हूँ, जिन्होंने याद नहीं किया है वो सब अच्छी तरीके से इसको याद कर लोगे। हाँ, आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा रिवाइज प्रातः भ्रमण। तो बच्चों, आप सभी को मैं क्या होमवर्क दी हूँ, रिवाइज प्रातः भ्रमण निबंध नंबर 1, आप लोग अच्छी तरीके से याद करोगे। ओके बच्चों, बाय।